ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। आज कुछ चर्चा आपके बीच में अंतिम संस्कार के संदर्भ में करने जा रहा हूँ। सबका जीवन एक न एक दिन पूरा होना ही है। सबके परिवारों में कभी न कभी किसी का देवलोक गमन होता ही है और हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार हम सब अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला करके करते हैं। लेकिन बंधुओं, लकड़ियों के जलने से होने वाला पर्यावरण का नुकसान आज किससे छिपा हुआ है? पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर जैन सभा समिति ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जयपुर के चांदपोल बाजार में एक विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया। हम तहे दिल से उनके इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को तो इससे बल मिलेगा ही, अहिंसा का भी प्रचार होगा। आप जानते हैं, एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार होने में 3 वृक्षों को काटा जाता है, इतनी लकड़ियों को उपयोग लिया जाता है। हमारे घर के परिवार के सदस्यों को यदि लकड़ियों में जलाया जाएगा तो कितने वृक्षों का अंत उसमें होगा? और आप जानते हैं, जब उन लकड़ियों को जलाया जाता है तो उन लकड़ियों का क्या होता है? जलने के बाद में बने हुए कोयलों को बाजार में ले जा करके बेचा जाता है। जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है। हमने अपने घरों में से लकड़ी के चूल्हों को निकाल दिया है तो अंतिम संस्कार में भी हमें लकड़ी के उपयोग को बंद करना होगा। एक लकड़ी के जलने में, वृक्षों के जलने में, उन लकड़ियों के साथ साथ में वहाँ बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वे जीव भी मरते हैं। उन लकड़ियों में कीड़े मकोड़े रहते हैं, बहुत सारे चींटियाँ चलती हुई देखी हैं हजारों बार मैंने, हजारों लाखों चींटियाँ एक शव के साथ में परलोक से धार जाती हैं। उनकी हिंसा से यदि बचना चाहते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं हम, हमें इस बात को प्रमोट करना चाहिए। पुराने रीति रिवाज जैसे भी चल रहे थे, हमें उनको बदलना होगा। हमें समझना होगा आज सुरक्षा की दृष्टि से, मानव जाति की सुरक्षा की दृष्टि से समय बदल रहा है। बहुत समय बदल गया है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। खर्चे की दृष्टि से भी यदि मैं बात करूं तो लकड़ी से अंतिम संस्कार करने में लगभग 10,000 रुपये का खर्चा आता है और विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार में मात्र 3,000 रुपये का खर्चा आता है। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल खर्चे का नहीं है, सवाल है पर्यावरण का, सवाल है अहिंसा का, सवाल है मानव जाति की सुरक्षा का, सवाल है हमारी नैतिकता का। हम लोग थोड़े बहुत नैतिक बने, वृक्षों की कटाई ना हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो, अहिंसा का पालन हो, इस दृष्टि से हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत शवदाह गृह को प्रमोट करना चाहिए। लोगों को सही दिशा और सही राह दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। पुरानी मान्यताओं को थोड़ा सा हमें दरकिनार करना होगा। धार्मिक दृष्टि से भी यह रंच मात्र भी अनुचित नहीं है, इसलिए हम जयपुर जैन सभा समिति के इस कार्य की तहे दिल से अनुमोदना करते हैं और हम भावना बाते हैं कि आप इस कार्य की अनुमोदना करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर।